be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. So guys, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करनी है एंड देन प्लस के आइकन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे. उसके बाद में आपको 9:16 जो सेंटर के अंदर है उस पर क्लिक कर देना है. उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है. और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है. ड्रैग करते हुए जितनी भी आपको वीडियो बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट आउट कर लेना है. देन उसके बाद में इसको आपको डन कर देना है. डन हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है. और एक फ़ोटो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना. इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है सेलेक्ट करके एंड देन आपको ड्रैग कर लेना है आपको यहाँ से आगे जहाँ तक आपकी वीडियो वहाँ तक. उसके बाद डन कर देना है. अब उसके बाद में आप यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी ऐड करके दिखाऊंगा आपको. आप चाहे तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो या बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर भी लिख सकते हो. सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ लेयर पे क्लिक करके एंड देन आपको यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा दिखा देता हूँ. तो हैप्पी लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे इस जगह एडजस्ट कर लेता हूँ. टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेंज करना है आपको, ठीक है. एंड देन आपको कलर भी चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हो. मैं यहाँ पे वाइट में ही रख रहा हूँ. तो इस जगह मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ हैप्पी एंड देन इसको ड्रैग करते हुए एंड तक कर लेना है. एंड देन वापस आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है एंड एनिवर्सरी लिख देना है इस टाइप में, ठीक है. तो एनिवर्सरी हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं इस टाइप से. एंड देन आपको यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी करना है. एंड देन कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग. एंड देन उसके बाद में आपको इस जगह एडजस्ट कर लेना है इसको. सो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड ड्रैग करते हुए इसको भी एंड तक कर लेना है. देन उसके बाद में ये डन हो जाएगा अपना. सो अपन को अब यहाँ पे फोटो ऐड करना है. फोटो ऐड करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप करना है एंड मीडिया पे जाना है. एंड जिसका भी आप यहाँ पे एनिवर्सरी या बर्थडे या फिर जिस किसी का भी आप यहाँ पे बना रहे हो उसका फोटो आपको ले लेना है एंड यहाँ पे फोटो को ऐड कर देना. सो जल्दी से अपन चलो यहाँ पे फोटो ऐड कर देते हैं. फोटो ऐड हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर चले जाना है. उस पर जाने के बाद में मास्क अनेबल करना है, शेप पे जाना है, सेकंड वाला शेप सेलेक्ट करना है. उसके बाद में आपको इस टाइप से क्रॉपिंग कर लेना है फोटो को. फोटो को क्रॉपिंग करने के बाद में आपको डन कर देना है. इसके बाद में आपको इस फोटो को सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको छोटा बड़ा करके इसको इन शेप्स के अंदर एडजस्ट कर लेना है. सो आप इसमें अच्छे से एडजस्ट करिएगा. और यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो करके दिखा रहा हूँ, बाकी के तीनों फोटो मैं यहाँ पे स्किप करके बना लूँगा और ड्रैग करते हुए एंड तक कर लेना. सो चलिए मैं बाकी के फ़ोटो भी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता हूँ. सो सभी फ़ोटो हमने यहाँ पे सेट कर लिए और ड्रैग करके पूरा एंड तक भी कर लिए सभी फ़ोटोज़ को. अब आपको क्या करना है, जो ब्लैक स्क्रीन वाला फ़ोटो जो था फर्स्ट में लिया था अपन ने, वो वाला आपको सेलेक्ट करना है. एंड देन आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है. सो हमने यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट किया तो देख सकते हो मेरा फर्स्ट वाला जो है ऊपर हैप्पी के ऊपर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है. सो हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से एडजस्ट करेंगे फ़ोटोज़ को उस वाले को एंड देन आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है. उसको एक बार मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ उसके अंदर. सो ये सेट हो गया अपना. अब उसके बाद में आपको वापस फिर से ब्लैक स्क्रीन वाला को सेलेक्ट करना है, फोटो को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, उस पर जाना है एंड स्क्रीन कर लेना है. मेरे यहाँ पे वाइट बॉर्डर दिख नहीं रही है, बाकी आप अपना फोटो कोई भी लगाओगे उसमें आपको दिख जाएगी. अब आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक, वो वाली ऐड करनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लेयर पे जाना है आपको यहाँ पे फ्लिप एंड देन आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखता है, उस पर जाना है एंड देन वो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है. तो हम जल्दी से चलो वो वाली वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं. सो ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसके बाद में आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है. फुल स्क्रीन हो जाने के बाद में आपको एंड में जो भी पार्ट रह जाता है उसको आपको ट्रिम कर लेना है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट को. ये ट्रिम हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा इसको सेलेक्ट करना है, फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है एंड स्क्रीन कर देना है एंड अपोजिटी जो है उसको कम कर देना है. ये हो जाने के बाद में डन कर देना है आपको सिंपल सा. डन हो जाने के बाद में आपको फिर से इसी वीडियो को सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट दिखेंगे उस पर जाना है एंड सेंड टू बैक कर देना है. ये हो जाने के बाद में आपको डन कर देना है. अब उसके बाद में एक वीडियो और लेनी है, उसके लिए आपको सिंपल सा लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है एंड देन वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है. उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा. ये वाली वीडियो है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना है. उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पे ट्रिम कर लेना है. सेम ट्रिम हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा आपको इसको सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल करना है एंड ब्लेंडिंग पे जाना है आपको सिंपल सा, स्क्रीन कर लेना है एंड देन अपोजिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है. इसके बाद इसको डन कर देना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे अब एक म्यूज़िक वाली वीडियो और मिलेगी, तो यहाँ पे एक बार प्ले करके देख लीजिए कुछ इस टाइप से लगेगी. तो अब चलो अपन यहाँ पे म्यूज़िक वाली वीडियो एड करते हैं. उसके लिए सिंपल सा आपको लेयर पे जाना है,
मीडिया पे जाना है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वो वाला भी। सो ये वाला वीडियो है, अपन जल्दी से ले लेते हैं ये वाला वीडियो। सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, ब्लेंडिंग पे जाना है, एंड देन इसको भी स्क्रीन कर लेना है, एंड देन इसको इस जगह छोटा करके एडजस्ट कर लेना है सिंपल सा। सो एडजस्ट हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है वो ट्रिम कर लेना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ये कैसा लगेगा। सो देख लीजिए प्ले करके इस टाइप से लगेगा ये। सो चलिए अब अपन इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड में जाना है, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है वो वीडियो जिसका एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना है उसको, एंड ट्रिम कर लेना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करनी है, उसके लिए ऑडियो पे जाना है और जो भी ऑडियो अच्छी लगे वो ऐड कर लीजिएगा। अब फाइल को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, सिंपल सा एक्सपोर्ट कर लेना जो भी क्वालिटी अच्छी लगे। सो बाय गाइस एंड टेक केयर। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।